स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 5.11 फ्रॉम पेज नंबर 158 ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर है। अ स्टूडेंट फॉरगॉट टू ऐड द रिएक्शन मिक्सचर टू द राउंड बॉटम फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस, बट इंस्टेड ही और शी प्लेस द फ्लास्क ऑन द फ्लेम। ठीक है, एक स्टूडेंट है, वो कोई रिएक्शन कर रहा होगा, तो वो रिएक्शन के ड्यूरिंग जो है रिएक्शन मिक्सचर राउंड बॉटम फ्लास्क में डालना भूल गया। ठीक है, एट 27 डिग्री सेल्सियस, उसने 27 डिग्री सेल्सियस पे जो था कोई रिएक्शन मिक्सचर एक राउंड बॉटम फ्लास्क में डालना था वो भूल गया। ठीक है, बट इंस्टेड ही और शी प्लेस द फ्लास्क ऑन द फ्लेम। ठीक है, उसकी जगह पे क्या किया उन्होंने, फ्लास्क जो थी वो फ्लेम पे रख दी। After lapse of time, he realized his mixture and using a pyrometer, he found the temperature of the flask was 477 degrees Celsius. कि कुछ टाइम के बाद उसको याद आया कि उसने मिक्सचर डालना था। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ पायरोमीटर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क जो है वो नोट डाउन किया, वो कितना आया 477 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर वुड हैव बीन एक्सपेल्ड आउट। ठीक है, कि ये जो हमारे पास मिक्सचर आया है इसमें से कितनी फ्रैक्शन ऑफ एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो चुकी है, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन दैट केस वी आर हैविंग टेम्परेचर वन, टेम्परेचर वन कितना आ रहा है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आप पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे, सो 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन आ गया। ठीक है, टी टू कितना है, टी टू इक्वल टू 477 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको जब आपने 273 में एड किया तो यू गेट 750 केल्विन। ठीक है, अब आपने वॉल्यूम ऑफ द एयर जो है वो फाइंड आउट करनी है कि कितनी फ्रैक्शन ऑफ एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो चुकी है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास चार्ल्स लॉ लगेगा, सो यू जस्ट राइट, क्योंकि हमारे पास प्रेशर भी कांस्टेंट मान रहे हैं और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट मान रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द होल रिएक्शन इज एट constant pressure and number of moles of reaction mixture. ठीक है, तो अब क्या आएगा, V1 by T1 equal to V2 by T2, right? तो अब V2 जो है इसको denominator में ले आओ, so V1 by V2 equal to T1, here we are having T1, okay? So T1 by T2 हो गया। ठीक है, आपके पास टेम्परेचर दोनों गिवन है, सो यू जस्ट पुट दी वैल्यू, सो V1 ओवर V2 इक्वल टू T1 कितना है 300 केल्विन है, ओके, ओवर T2 जो है 750 केल्विन है। ठीक है, हम फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्रैक्शन हमारे पास यूनिटलेस आती है, सो जब आपने 300 को 750 के साथ कैंसिल आउट करना चाह तो ये हमारे पास 15 के टेबल पे चला गया, 15 टू द 30 एंड 15 फाइव द 75, सो ये आपके पास V1 ओवर V2 जो है ये कितनी आ गई 2/5 आ गई, राइट। अब ये जो है हमारे पास रिमेनिंग फ्रैक्शन जो है वो रह गई है कि कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर जो है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है कि कितनी एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो चुकी है। तो अगर मैं ये मान के चलती हूँ कि मेरे पास जो टोटल एयर थी वो 1 थी, तो कितनी फ्रैक्शन जो है वो रिमूव होगी, क्योंकि ये रिमेनिंग है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्सपेल्ड इक्वल टू 1 - 2/5। ठीक है, आप एलसीएम ले लो 5, सो 5 डिवाइडेड बाय 1 दैट मीन्स 5, 5 × 1 दैट मीन्स 5, सो 5 - 2 इक्वल टू 3/5, मतलब कि जो हमारे पास एयर एक्सपेल हो चुकी है वो कितनी फ्रैक्शन में है, 3/5 फ्रैक्शन में।